एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये 1 जुलाई की क्लिप है, दोपहर का टाइम है। हम लोग किचन में खड़े होकर के इतनी गर्मी में पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, आप सोचेंगे कि ये किचन में दूसरा कौन है दीदी, और तीसरा आएगा वो भी आकर के चला जाएगा। ये देखिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मोना के यहाँ के गेस्ट हैं, और मोना के यहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम था छोटा मोटा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं। और मतलब उनके यहाँ पर गेस्ट थी, तो वो दोनों गेस्ट जो है ना उनके यहाँ पर बिजी थी, तो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ हमने अपने किचन में बना दी थी, तो वही मेरे हेल्प के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के उस साइड भेज देंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे और सेफ होंगे, घर पे होंगे। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, आज की डेट है 1 जुलाई और आज है वेडनेसडे। आज है एकादशी, तो आज बहुत बड़ी ग्यारस है, देव शनि ग्यारस है आज। और ये देखिए पूरी सड़क का क्या हाल हुआ है, गाड़ी बाहर भी नहीं निकल सकती। हम लोग सोच रहे थे कि आज बड़ी ग्यारस थी तो मंदिर हो आते, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं जा सकती है तो नहीं जा पाएंगे मंदिर। और आज मैं दिन भर थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि मोना है उनके जो नया वाला फ्लैट बन रहा है उसमें आज हवन था, कन्या थी, तो हम लोग वहीं पे बिजी थे, तो इसलिए मैंने आप सबसे बातें नहीं की, थोड़ा सा बताया था। तो पूड़ी वगैरह जो है हम लोगों ने थोड़ी बहुत इस साइड बनाई थी, कुछ इस साइड बनी थी, इस तरह से बनी हुई थी, तो थोड़ा सा बिजी थी। गर्मी लग रही है, अंदर चलते हैं यार। ये देखिए क्या हाल हो गया है सड़क का, आपने देख ही लिया होगा। ये देखो बड़ा सा पूरी सड़क ना खोद के रख दी है, कितनी गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो फैन में बैठे रहो तो ठीक है, चलो आपको इनके पास ले चलते हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फैन में बैठे रहो तो ठीक है। देखो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, मेरा क्या हाल हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं नहा के आ रही थी। तो ये हाल हो रहा है बाहर गाइस, फैन चल रहा है आराम से, तो बैठे हैं। कोई नहीं, चेयर में मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब आवाज आई। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये देखो बैठे बैठे ये हाल हो रहा है, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो आज देखते हैं डिनर बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि मैंने तो जस्ट अभी खाना खाया है, थोड़ी देर पहले ही, मुझे सुबह भूख नहीं थी और वहीं खाया था मोना के यहाँ पे, इन्होंने भी खा लिया था दोपहर में खाया इन्होंने 3 बजे के टाइम, 2:30 या 3 बजे, तो ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए देखते हैं कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे मैं क्या आज बात करने वाली हूँ। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, देखो अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, किसी के सपोर्ट के साथ या फिर किसी को बोल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, जैसे कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, डेली मैं देखती हूँ, तो मैं उनका क्या रिप्लाई करूँ मुझे समझ नहीं आता। तो मेरे पास यही कमेंट आता है कि दीदी आप हमारे वीडियो को देखिए, और भी सब लोगों को बोलते हैं कि देखिए, तो आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और ये मुझे बैठ कर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इनकी मेहनत भी रंग ला रही है, देख लो, तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। और जैसे कि मैं कंटिन्यू मेहनत की है मैंने, और आप भी कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। क्या होता है, जैसे आपने चैनल ओपन किया और 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, और आप लोग सोचते हैं कि 1 महीने में व्यूज़ आने लग जाएंगे, या फिर 1 महीने में ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, या फिर 1 महीने में ही आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज़ में स्ट्रगल है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई जॉब हो, या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, आपकी मेहनत आप जितनी करोगे उतने ही आगे आप बढ़ोगे। और यूट्यूब पे चैनल बनाना बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ मेहनत करना उतना ही ज़्यादा टफ है। ऐसा नहीं है कि आपने बस वीडियो बनाया, डाला और व्यूज़ आने लग गए, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर मतलब अपनी फैमिली ग्रो करने में और कंटिन्यू मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है, और आप करते रहिए बस, मैं तो यही कहना चाहूँगी। मैंने एक बार और कहा था व्लॉग में कि प्लीज़ आप मेहनत कीजिए और अपने चैनल को ग्रो कीजिए। आपके चैनल पर जो भी कोई आएंगे, आपकी डेली रूटीन, आपकी रेसिपी, आपकी जो भी कुछ है वो उनको पसंद आएगा, तो वो ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो वो क्यों नहीं सब्सक्राइब करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो इस तरह से मेहनत करते रहिए और लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं
कि दीदी प्लीज दीदी प्लीज दीदी प्लीज। और मैंने जाकर के देखा भी उनके चैनल को, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। मैंने देखा कि देखो वीडियो बनाने में सबकी मेहनत होती है, कैमरा को लगाना, फिर काम करना, फिर कैमरे को लगाना, फिर काम करना, फिर उसको एडिट करना, फिर सबके लिए शेयर करना, पब्लिश करना, तो सब कोई मेहनत करते हैं, जो यूट्यूब पर है वो सब मेहनत करते हैं। मैंने माना, लेकिन मैंने ये देखा कि उनको सिर्फ अभी 5 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, 1 साल भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं 1 साल के बाद भी उनका चैनल ग्रो नहीं करता है, मैंने ये भी देखा है। तो वो क्यों नहीं करता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, 1 साल नहीं 2 साल में आपको फल मिल जाएगा। तो मुझे भी 1 साल में इतना अच्छा फल नहीं मिला है क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ। तो आप लोग भी एक लाइक जरूर दे दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक देते हैं, एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है, खुश होती हूँ। और जब आप लोग कमेंट करते हो तो लगता है कि कितनी बड़ी फैमिली है। आप लोग पूछते हो दीदी इसके बारे में, इसके बारे में, वो भी बताना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को देख करके मुझे एक चीज़ और याद आ गई, आप लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो वो क्या कहते हैं लिप प्योर, हमारा जो हमारे वाटर प्यूरीफायर के बारे में आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ वो लिप प्योर का है। और आप लोगों ने पूछा था कि दीदी वो कैसा है, कैसा लगा आपको, तो हम लोग अभी तक आपको बता दें, मुझसे ज़्यादा तो इनको भी नॉलेज है उसके बारे में। मुझे तो उसका पानी बहुत अच्छा लगता है, अब मैं मतलब दूसरा पानी जो पीती हूँ ना वो मुझे पसंद ही नहीं आता, क्योंकि मुझे अपने घर का ही पानी जो है बहुत पसंद है। क्योंकि ना ऐसा होता है, चाहे आप देखो किसी का भी पानी पिए, जब आपको हैबिट हो जाती है ना तो फिर आपको वही पसंद आने लग जाता है, दूसरी चीज़ नहीं आती, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है वो, और अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो सर्विस तो देखो हर चीज मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराते रहेंगे तो वो अपना वर्क प्रॉपर आपके साथ मतलब देगी करेगी। तो ये मैं बस कहना चाहती हूँ, और लाइट पता नहीं क्या हो रहा है आज, तो ये मैं कहना चाहती थी। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, सुबह से बातें नहीं की थी, बिजी थी बहुत ज़्यादा, तो अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, भगवान जी की आरती वगैरह सब कर दी है क्योंकि इवनिंग हो गई है। और जो भी कुछ बनाऊंगी शेयर करूंगी, अगर नहीं भूख लगी तो नहीं बनाऊंगी, अभी तक तो हम दोनों को इतनी सी भी भूख नहीं है। तो थोड़ी ही देर के बाद इनका मन किया कि थोड़ा सा हल्का फुल्का इन्हें कुछ खाना है, तो मैंने लाई को ही थोड़ा सा घी में भून करके उसमें नमकीन प्याज डाला हुआ है, मतलब वो जो सेब परमल मैंने बनाए थे ना वही बनाया है, क्योंकि उस दिन बनाया था इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने 2-3 बार बनवाया है उस दिन के बाद। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ठंडा पीने का भी मन कर रहा था, तो मैं दूध नहीं पीती हूँ जैसे कि आपको बताया था, तो मैं इस तरह से दूध पी लेती हूँ। तो मैंने फिर से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है और बहुत ही कम इसमें चीनी डाली थी, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे और आइस डाली थी और दूध डाला था, और इसके बाद ये बन जाती है। तो आपके साथ शेयर किया है मैंने बहुत बार, इसलिए नहीं बताया, बस ये बता रही हूँ कि देखो मैंने मतलब आप सबसे बात करने के बाद कोल्ड कॉफ़ी और हमने नमकीन सेब खाए थे, यही हमारा डिनर स्नैक्स जो भी कुछ आप समझ लीजिए। अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग में मैं आपको चाय दिखा रही हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद किचन में आती हूँ, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है क्योंकि रात को ही करके सोती हूँ मैं, और रात को तो मैंने डिनर भी नहीं बनाया था तो क्लीन ही थी मेरी किचन। तो बस आके फटाफट से चाय बनाई है अदरक वाली, और इसमें मैंने इलायची भी डाली है। तो ये हमारी चाय जो है वो बन चुकी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छा कलर दिख रहा है ना, बहुत टेस्टी चाय बनी थी। तो चाय भी टेस्टी बनती है, कभी कभी बनती है, कभी कभी पता नहीं चाय का कैसा टेस्ट हो जाता है कि पीने में अपने आप ही अच्छी नहीं लगती, ऐसा होता है ना। लेकिन अभी तो जो बन रही है ना चाय, मतलब अदरक का भी टेस्ट चेंज हो जाता है, कभी कभी अदरक अच्छा नहीं आता जिसकी वजह से चाय का स्वाद ही बिगड़ जाता है। तो ये देखिए चाय बन चुकी है, चाय और बिस्किट हम लोग मॉर्निंग में खा लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद, घर के काम करने के बाद, क्योंकि आज पोछा नहीं लगा था, थर्सडे है ना, इसलिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फटाफट से शावर लिया, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो ये परसों कटहल लेके आए थे, तो मैंने आपको बताया था ना, तो कटहल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट पहले मैं कटहल की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इनको बहुत पसंद है और बहुत ही रेयर बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। आपने शायद ही मेरे ब्लॉग में एक आध बार देखा हो, मेरी सासू माँ आई थी तो उन्होंने ज़रूर कटहल की सब्ज़ी बनाई थी पिछले साल, तो 1 साल हो गया है पूरा, उसके बाद कटहल की सब्ज़ी नहीं बनी थी हमारी घर में। तो मैंने ऑयल डाला था, मस्टर्ड ऑयल, और ये कटहल हमारे यहाँ पे कटा हुआ मिलता है तो मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको मैंने फ्राई कर लिया है, धो करके मैंने पहले ही रख दिया था।
तो फ्रिज में उठा करके रख दिया था, और निकाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, उसमें एक तेज़पत्ता, जीरा और हरी इलायची मैंने डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो प्याज हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है क्योंकि ये अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ मैं एक और प्यूरी बना रही हूँ टमाटर की, तो दो टमाटर लिए हैं और इसमें मैंने दो से तीन हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है 4 से 5 कली, और मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था इसकी प्यूरी बना करके। प्याज को बहुत अच्छे से आपको भुनना है, ये देखिए बिल्कुल मतलब ब्राउन हो गई है प्याज, जितनी ज़्यादा भुनेगी ना उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। उसके बाद ये प्यूरी मैंने इसमें डाल दी, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ जिससे टमाटर अच्छे से जल्दी से पक जाएंगे। और गाइस सच में इसका जो रिज़ल्ट आया था ना, बहुत कम बनाती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब्जी कैसी बनेगी, लेकिन बनने के बाद इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं सूखे वाले, तो जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, हल्दी इसमें थोड़ी सी कम ही पड़ती है, और रेगुलर लाल मिर्ची है, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची भी लिया था कलर के लिए। और ये सारे मसाले डालने के बाद खूब अच्छे से आपको भूनना है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है, मतलब मैंने 5 से 10 मिनट तक भुना था थोड़ा सा पानी डाल डाल के। और मसाला भुन जाने के बाद कटहल इसमें ऐड कर दिया है मैंने, कटहल को भी अच्छे से मसाले के साथ थोड़ा बहुत भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी पानी, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ लोग ना बॉईल करके बनाते हैं लेकिन बॉईल करने से बताते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं आता है। देखो कटहल की सब्ज़ी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप इस तरह से बनाते हो तो ठीक है, और नहीं बनाते हो तो एक बार बना के ज़रूर देखना, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें आधा या एक गिलास पानी डाल दूँगी। तो ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बन रही है, पानी पूरा सूख जाएगा कटहल पकते पकते, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने पूरा एक गिलास पानी डाला था, और इसको ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट मुझे लगे थे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख दिया था मैंने इसको। और ये देखिए कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, और थोड़ी सी डाली हूँ मैं कसूरी मेथी, इससे जो स्वाद आएगा ना सब्जी का बहुत ही गजब आता है सच में। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है, उसके बाद हाथों से क्रश करके डाल देंगे, और ये हमारी मसालेदार कटहल की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, गारंटी के साथ कह रही हूँ आप सबको पसंद आएगी। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे ये जो पूरा बहुत बड़ा सा गड्ढा सा खोदा गया था सड़क के किनारे, क्योंकि इसमें जो वायर था ना मोटा वाला, वो पूरा का पूरा मतलब डलेगा इसमें वायर, जो लाइट वगैरह है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे हो रही है, तो उसी के लिए ये किया गया है। और यहाँ पर सुबह से काम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, वॉइस ओवर करूँ तो नॉइस आती है, ब्लॉग बनाऊँ तो नॉइस आती है, तो फिर मेरा मन नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ब्लॉग आने में। जब शांति हो जाती है, ये काम खत्म हो जाता है, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम चल रहा है। कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही गजब की देखने वाली मसालेदार सब्जी, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, मांग मांग के खाओगे सच में गाइस। एक बार ट्राई जरूर करना आप रेसिपी को, तो बहुत कम बनाती हूँ लेकिन बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आज के लंच में मैंने यही बनाया था, कटहल की सब्जी और थोड़ा सा बूंदी का रायता बना के फ्रिज में रख दिया है, जैसे वो ठंडा रहेगा, नहीं तो बाहर तो तुरंत ही गर्म हो जाना है। और यहाँ बना रही हूँ फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ, तो मैंने इनको बोला कि पहले आप खाना खा लो, क्योंकि इनका फेवरेट है कटहल, और मैं बहुत बहुत दिनों के बाद कटहल बनाती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि आपके पसंद की सब्जी बनी है तो आप गर्म गर्म रोटी खा लो, क्योंकि गर्म गर्म रोटी के साथ सब्जी मतलब अलग ही खाना का स्वाद आता है। तो मैंने इसलिए इनको गर्म गर्म रोटियाँ खिला दी थी, और मैंने बाद में खाया था क्योंकि मुझे तो कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये है हमारा लंच, मैंने थाली यहाँ पे लगा दी है, कटहल की सब्जी, बूंदी का रायता, रोटी, सैलेड, आप सब भी खा लीजिए गाइस। लेकिन मुझे कटहल की सब्जी पसंद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसका जो मसाला होता है ना उससे मैंने रोटी खाई थी, क्योंकि मुझे मसाला जो है बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो गारंटी के साथ कह रही हूँ ना इसलिए। तो मैंने टेस्ट की थी और इन्होंने बहुत जिद करके मुझे खिलाई थी सब्जी, तो पहली बार मैंने कटहल की सब्जी खाई थी। और ये देखिए मैं इनको थाली देने के लिए जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस गुड आफ्टरनून, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई थिंक मैंने कल रात को आपसे बात की थी, और लंच हम लोगों ने कर लिया है, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, कटहल की रेसिपी ट्राई करना आप एक बार। और लंच किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी तक, उनको दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, आज थोड़ा सा जल्दी ही कर लिया था, और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ कुछ काम की बात शेयर कर लेती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है और कुछ ज़्यादा तो शेयर कर नहीं पाऊंगी, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पर्पल का है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, और ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मैं इसको 2-3 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ,
तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये देखिए इसके अंदर ये मुझे ऑयल मिला हुआ है, पर्पल का है ये, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू लगी मुझे। तो इसके अंदर ये भी मिलता है आपको ड्रॉप लेने के लिए, तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी स्किन पे और हेयर पे दोनों पे ही यूज़ करने वाली हूँ इसको, और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो कल मैं अपने हेयर वॉश करूँगी, इसलिए सोचा कि आज ही अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग करने के लिए कोकोनट ऑयल, इसके साथ में इस एसेंशियल ऑयल को मतलब एक दो ड्रॉप लेकर के अपने बालों पर अच्छे से मसाज करूँगी। तो ये आपके बालों की क्वालिटी को बढ़ाता है और आपके बालों को लॉन्ग करता है और शाइन देता है एक, तो ये बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे बाल जो हैं रफ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टूट रहे हैं, तो क्या करना है। तो आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये मतलब मेरे पास तीन ऑयल आए हुए हैं, तो उसमें से सबसे पहला ये है, और एक मेरे पास लेमन आया है, एक टी ट्री आया है ना शायद मेरे पास, तो उसका भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बारे में मुझे बोला गया था, लेवेंडर के बारे में बता रही थी कैसा है, तो ये देखिए मैं आज बता रही हूँ। और इसको स्किन पर भी यूज़ करना है, तो स्किन में आप अपने जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसके साथ आप इसकी एक दो ड्रॉप लेकर के अपने स्किन पे अपने फेस पे भी लगा सकते हो। और इसकी एक खास बात और है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका सर दुख रहा है या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, उस टाइम पे भी आप इसकी एक दो ड्रॉप लेकर के अपने यहाँ पे मसाज करेंगे, यहाँ पे मसाज करेंगे, तो उससे ना सच में आपको नींद आ जाएगी बहुत ही प्यारी से। आप सीधे सुबह उठोगे और आपका सर दर्द भी ना खत्म हो जाएगा बिल्कुल, सच बता रही हूँ मैं। ये मैंने एक दो दिन ट्राई किया है इसको, क्योंकि आपको पता है दिन भर वीडियो 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 होता है मेरे साथ, तो मेरा रात को ना यही हाल होता है, सर मेरा दुखने लग जाता है। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसको तो ये देखो, ये मैंने खोल दिया है, और सबसे पहले मैं ऑयल निकालती हूँ, पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद ये देखो कोकोनट ऑयल है, और इसको मैं ले रही हूँ जितना मेरे बालों में लगेगा उतना, ये मैंने इतना ले लिया है। आप अपने बालों की अच्छे से केयर करेंगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे, नहीं झड़ेंगे, क्योंकि केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए। आप हफ्ते में एक बार अपनी ऑयलिंग ज़रूर करें बालों में, हफ्ते में एक बार कंडीशनर ज़रूर करें, ठीक है। महीने में एक बार आप अपने बालों में कोई भी पैक ज़रूर लगाएं, जैसे कि मैं लगाती हूँ, और जो सब मैंने आपको बताया वो मैं करती हूँ। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। ये देखिए मैं इसमें से एक या दो ड्रॉप ले रही हूँ बस, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए इसमें से एक या दो ड्रॉप आपको ये कोकोनट ऑयल में डाल देनी है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे। और आपको अपने बालों में ऑयलिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको फिंगर की हेल्प से अपने बालों में इस तरह से मसाज करनी है, मतलब अच्छे से अपने स्कल्प पे ऑयलिंग करनी है आपको, ना कि ये बालों पे करनी है। स्कल्प करेंगी तो वो आपकी मजबूत हो जाएंगी, जिससे ना बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। ये देखो गाइस कितने अच्छे से ऑयलिंग कर लिए मैंने अपने बालों में, और अब मैं बालों को क्लैच कर देती हूँ। तो अपना फेस का भी दिखा देती हूँ कि आपको फेस पे कैसे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, क्योंकि मैं यही अपने फेस को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि आपको पता है खाना वगैरह बनाते तो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और ये सारे काम ना ये दोपहर के टाइम में ही सही लगते हैं मुझे करने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, रात को गर्मी भूल जाती है। और इन्होंने भी चमकी करवा ली है, मैंने इनकी भी कर दी ऑयलिंग बालों में। मैं कुछ भी करूँगी और इनको ना करूँगी ऐसा हो नहीं सकता, मतलब मैं नहीं करती हूँ ये करवाते हैं। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, और इसमें बस एक ड्रॉप ही काफ़ी है। ये मैं एसेंशियल ऑयल की डाल दी उसमें एक ड्रॉप, नहीं है इनको देखो कितना मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये देखो मैं एक ड्रॉप ले रही हूँ बस, और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है आपको इस तरह से।
आपके फेस पे पिंपल आ रहे हैं या एक्ने की प्रॉब्लम है आपको, या फिर रूखी सूखी आपकी स्किन हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आंखों से थोड़ा सा बचा के लगाइएगा और बस इसको अपने फेस पे इस तरह से थोड़ी सी मसाज कर दीजिए, लगा लीजिए, रात के टाइम लगाइए, मैं तो आपको यही बोलूँगी। और इसकी खुशबू जो आ रही है ना बालों में, स्किन में, से मज़ेदार है ना। ये देखो मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग ग्लोइंग हो गई है ना गाइस। तो आप भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है, अच्छा लगे तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। और बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़ा ब्लॉग बनाती हो, थोड़ा छोटा बनाया करो। और बिंदी लगाने के लिए मना किया था कि कभी कभी बिंदी मत लगाया करो हमारे लिए, हमें अच्छा लगेगा। चलो भाई नहीं लगाई बिंदी अभी तो फिलहाल, नहीं लगी है मेरे। ये लो आप ले लो। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे कमेंट करते हैं कहाँ से लिया कहाँ से लिया। तो आप भी बाय कर सकते हो। और मेरे पास दो एसेंशियल ऑयल और हैं, उनको भी अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। कल मेरा व्रत है, फ्राइडे है, तो ज़रूर देखिएगा कल का ब्लॉग, पूरा बनाऊंगी फुल डे का। चलिए बाय, लव यू टू ऑल।